हेलो वीवर्स, तो आप जो ये ब्यूटीफुल सा केक देख रहे हैं, इसमें मैंने जो अपने एक्सेंट लगाए हैं नीचे सी एनिमल्स या फिर सी एंटिटीज के, वो मैंने हैंडमेड रखे हैं। तो इसमें कोई मोल्ड का यूज नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप ये सी एंटिटीज कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल एफसे फुट पर, और मैं हूँ फलक। तो पहली चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है जो हमारा एंकर बना हुआ था ब्लू कलर का, उसकी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग यानी कि हम यहाँ पे स्टेंसिल यूज़ नहीं करते हुए DIY स्टेंसिल पेपर पे बना रहे हैं। यूजुअली इसका जो मोल्ड आता है या फिर कटर आता है, तो अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से DIY कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि आप अपने केक के हिसाब से इसका साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। अब जैसे कि मेरे केक का साइज़ जो था वो 7 इंचेस का था डायमीटर, तो मैंने इसे अपने हिसाब से बनाया है, अराउंड 3 इंचेस इसको ब्रॉड बनाया है। तो DIY करने से ये आपको फ़ायदा रहता है, क्योंकि मोल्ड कैसे होता है, कोई एक परफेक्ट साइज़ की आती है तो आप उसे हर केक पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो निचला पार्ट इलॉन्गेटेड है वो मैं केक पे इंसर्ट करने के लिए रख रही हूँ। अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट चीज़ बना रहे हैं वो है स्टारफिश। तो मैं क्या करूँगी, हमारे पास जो फ्लावर कटर होता है स्टार शेप में, वो यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मुझे कैसा इक्वल डिविजन्स मिल गए 5 इस तरह के, और फिर इसे मैं अपने हाथ से शेप दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं जो हमारी एग्जैक्टो नाइफ आती है उससे यहाँ पर डिटेल में अच्छी तरह से इसे कट कर रही हूँ। फिर अगर कुछ ऐसे फोंडेंट का पार्ट निकला हुआ है तो उसे सीजर से कट कर दूंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, और अगर आपके पास फोंडेंट कटर नहीं है इस तरह का, तो आप फिर नॉर्मल जो अपने एंकर जैसे पेपर से बनाया था वैसे ही पेपर से बना के भी इसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बॉल टूल आता है, मुझे इसका जो बीच का हिस्सा है थोड़ा उभरा हुआ बनाना है 3D टाइप में, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें इंप्रेशन दिया है। अब बारीक वाले बॉल टूल से मैं पूरे इसके जो सराउंडिंग है, जो इसके सर्कमफ्रेंस है, वहाँ पे छोटे छोटे से एक इम्प्रेशन दे दूंगी बॉल टूल यूज़ करते हुए। तो उसका जो साइड्स होता है ना, ऐसा थोड़ा बारीक बारीक होल वाला होता है। अब यहाँ पे जो इसका मिडल हिस्सा था वो उभरा हुआ नहीं लग रहा है बॉल टूल करने के बाद में भी इसमें शेपिंग, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, थोड़ा सा फोंडेंट का पार्ट लगा दूंगी इसे वाटर से स्टिक करने के बाद में। अब आप जिसे ज़मीन पर से रखते हैं ना, तो वह कैसे उभरा हुआ दिखेगा 3D जो हमारा रियल स्टारफिश होता है उसकी तरह। और इसका जो हर लेग है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा फोंडेंट को पिंच कर लिया है, जिसकी वजह से ये स्केल दिख रहा है। अब उनकी जो स्किन होती है स्टारफिशेस की, कैसी होती है, राउंड राउंड आई शेप होता है उस पर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, उससे पहले फोंडेंट पे चिपका देंगे। फिर क्या करना है, नॉर्मल पॉइंटेड टूल लेना है आपको फोंडेंट का, और उससे बस एक आपको होल पोक कर देना है इस तरह से, तो आपका ये रियल में स्केल बन जाएगा, जो कैसा लगेगा जैसे आपने बारीक बारीक रिंग इस पर स्टिक की है, जबकि आपने बहुत ही ईजिली एक छोटे छोटे बॉल लगा के उस पर सिर्फ पॉइंट बना दिया था। और फिर इसे आप गोल्डन डस्ट से अच्छी तरह से पेंट कर लेंगे, तो हमारी स्टारफिश रेडी हो गई। अब जो हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ बना रहे हैं वो है शंख, या फिर उसे कॉन्च भी कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा टीयर ड्रॉप जैसे शेप में थोड़ा सा फोंडेंट को ऐसा शेप करना है, और फिर इस तरह से आपको एक अच्छा पतला सा रिबन जैसा रोल करना है, और फिर आपको बस उसे पानी लगा के इस तरह से स्टिक कर देना है। तो आपको इसे इतना ही साइज़ लेना है कि इसका जो टॉप का साइड दिख रहा है मोटा वाला साइड, वहाँ पे आप जब फिनिश करते हैं तो एक मोटा सा हिस्सा फोंडेंट का बचे जो आपने रोल किया है उस पट्टी का। फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये बॉल टूल यूज़ करते हुए बस उसका जो माउथ का ओपनिंग रहता है वो बना देंगे। फिर यहाँ पे अब हमारा बनने वाला है स्नेल, जिसे घोंगा भी कहते हैं हिंदी में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक पतली सी इस तरह से रोल करना है पट्टी, और फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा मार्किंग लगा देंगे, पतले पतले स्केल्स लाइन बना देंगे, और बस उसे इस तरह से रोल करना है। जो मिडल एंड है वो थोड़ा पतला रहेगा, और फिर जो सेंटर है मीडियम, और बाहर का साइड आके थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ताकि आप उसका जो माउथ है वहाँ पर बना सके बॉल टूल का यूज़ करते हुए। और जो इसकी स्केल्स है उसे थोड़ा सा और शार्प दिखने के लिए मैं यहाँ पे एग्जैक्टो नाइफ यूज़ कर रही हूँ, और उससे हल्के हल्के से कट लगा रही हूँ। तो हमारा जो स्नेल है वो भी रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे क्लैम्स बनाएंगे, जिसे मसल्स भी कहते हैं। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा टीयर ड्रॉप बनाना है, लेकिन बिल्कुल वो राउंड नहीं रहेगा, थोड़ा फ्लैट रहेगा इसका आगे का हिस्सा, उसे आपको बस फ्लैट कर देना है। फिर ये जो आपका ड्रेसिडेंट टूल होता है उससे लंबी लंबी शार्प आपको लाइन खींच लेनी है आगे तक, और फिर अगर कोई हिस्सा बाहर रह गया है तो उसे आप सीजर से नाइफ से या कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बनाते हैं स्पाइरल सीशेल। तो स्पाइरल सीशेल क्या होता है, वो थोड़े शंख जैसे ही होते हैं दिखने में, लेकिन ये थोड़े लंबे होते हैं,
मतलब शंख जो है देखेंगे तो वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जबकि ये बिल्कुल पतला और लंबा सा होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टूथपिक यूज़ की है। टूथपिक के लास्ट एंड पे आपको बस रैप करना है एक फोंडेंट का रोल और फिर उसे लपेटते हुए ऊपर तक आके उसका माउथ बना देना है। और जो मसल्स होते हैं आप उसे बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो फोंडेंट टूल में एक टूल आता है उसी शेप का जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो केक था मेन था नेवी थीम में, तो इसके लिए यहाँ पे ये एंकर का होना बहुत इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से केक आपको एक्चुअली नेवी थीम में दिखेगा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी DIY स्टेंसिल बनाई थी, जो टेम्पलेट बनाया था, उसे मैं ट्रेस कर दूंगी फोंडेंट के ऊपर रख के एग्जैक्टो नाइफ से, और फिर इसे शार्प डिटेलिंग देने के लिए भी मैं एग्जैक्टो नाइफ यूज़ कर लूँगी। अब आप इसे साइड में रख सकते हैं ड्राई करने के लिए, ये बहुत जल्दी अच्छे से ड्राई हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें टाइलोस पाउडर डाल के इसे नीट किया हुआ था, और फिर ब्लू कलर डाल के इसे अच्छे से फोंडेंट को मैंने मसल मसल के पूरा इक्वल कलर भी कर दिया और टाइलोस भी अच्छे से मिल गया, तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब हमने जो यहाँ पे सारी एंटिटीज़ बनाई हैं इस पे हम पेंटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब ये सारे लोग आराम से ड्राई हो जाएंगे और फिर आप अगले वीडियो में देखेंगे कि इसे आप केक पे किस तरह से लगा सकते हैं और आप नेवी थीम का केक किस तरह बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।